अमित भाई फार्म टूर भी करा देते हैं जी, और उसमें से और कुछ बकरे हैं बिक्री के लिए वो बताइए। बेचने का बाड़ा अलग है और कुछ बकरे। टोटल कितने बकरे की कैपेसिटी है फार्म पर? टोटल मतलब एट प्रेजेंट अंडुल की है 150 बकरों की और अंडुल की है खस्सी की 250 बकरों की। और है कितने बकरे अपने फार्म? अपने फार्म पे अभी टोटल बकरे है 550 किलो। थोड़ी जगह मैंने बाजू की भी रेंट पे लिया अभी। और पलाई पे इसमें 350 हो गए। 350 बकरे पलाई पे। बेचने के पूरे बकरे मतलब भाड़े की जगह में डाल दियो। जैसे ये है इतने सारे, ये सारे पलाई पे है? टोटल पलाई के बकरे। ज्यादा क्लाइंट्स कहाँ के आपके? मेरे सब जगह के, बॉम्बे जोगेश्वरी है और ज्यादातर इधर अपना कुर्ला और कुर्ला के रहने वाले। तो इसमें ऐसा, जैसे हर एक फार्म पे जाता हूँ मैं, जैसे JDMD, वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रीमियम क्लाइंट। कोई एक क्लाइंट है जिसके इतने बकरे हैं, आपके पास भी ऐसे कुछ, नाम मत ले रहा, ऐसे कुछ क्लाइंट पे चल रहा है जिसके बहुत सारे बकरे के इक्वली डिवाइडेड है? नहीं, ऐसा कोई ऐसा क्लाइंट नहीं। मैक्सिमम कोई क्लाइंट हो गए तो 7 बकरे 8 बकरे 7-8 बकरे, अदरवाइज ये सब अलग अलग, सब अलग अलग ही। और सर दर्द है ना, इतने लोगों से रिकवरी करना? नहीं रिकवरी अलहमदिल्ला, अपने क्लाइंट सारे अच्छे ही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। ये इनको सेग्रीगेट करने का क्या क्या तरीका है? मतलब वेट के हिसाब से आपने अलग अलग बाड़े में डाला है, आते गए और खाली जगह? ये बाड़ा कैसा बड़ा था, इसके अंदर मैं सारे बड़े बकरे जो आते थे ना स्टार्ट में, इसमें 25 बकरे बड़े डाल देता हूँ साल के, वो इसी के अंदर तैयार हो जाते पूरे। बहुत खूबसूरत बकरा है ये सब। एक अंडुल को रखे हो, दो अंडुल? ये पहले से ही था जी, मैंने देखा हूँ। लास्ट वीडियो में था, लास्ट वीडियो में माशाल्लाह। अभी जो बड़े बकरे निकाले ये बाड़े के? ये बाड़े के अंदर ही सारे तैयार हुए। तो क्या है आमिर भाई, मैं देख रहा हूँ लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन कम है, जैसे आपने पूरा पैक करके रखा है। नहीं, अभी ये जो पर्दा है में इतनी त्रासदी हुई है जी जी, मोस्टली जो छपरे वपरे उड़े हैं, दैट्स बिकॉज़ देयर वाज नो एरिया फॉर द एयर टू पास वेंटिलेशन के लिए। तो आर यू नॉट स्केर्ड कि भाई खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हादसा होता है तो बहुत रिस्की होगा, क्योंकि आपने कुछ वेंटिलेशन के लिए छोड़ा ही नहीं? वेंटिलेशन के लिए तो ये जो ऊपर का एरिया पूरा ओपन ही था, ये तो बरसात के हिसाब से और ठंडी के हिसाब से बंद करवा देते हैं। अभी क्या बरसात आ रही तो उसके हिसाब से पैक करवाना पड़ता है। ये ऊपर की लाइन एक्स्ट्रा है, छोटी पतरे जो है ना, हाँ हाँ, वो पूरा एक्स्ट्रा पतरे है। लेकिन गर्मी में, गर्मी में इसके ऊपर पूरा स्प्रिंकलर है जी, पूरा स्प्रिंकलर ब्रिंग्स डाउन द टेंपरेचर। बहुत फर्क आ जाता है, मतलब ऐसा है कि आप बाड़े में बैठना प्रीफर करोगे बाहर कुर्सी पे बैठने से, बट कंटिन्यूस चलता रहता है इतना पानी। मैं बोरिंग पे डायरेक्ट कनेक्ट है स्प्रिंकलर हमारा, सो थ्रू आउट द डे 9 to 9। मतलब अभी आपको मैं बोलूं, मेरी लाइट बिल ये मंथ की आई है 22,000 रुपये, जिसमें समझो सिर्फ बोरिंग ही चल रही है फार्म पे सबसे ज्यादा। बाकी ये पंखे तो पूरे लगे हुए यहाँ से वहाँ तक सारे बकरों के लिए। ठीक है, अब ये आपने क्या डाला नीचे? ये लकड़ी का भूसा, लकड़ी का भूसा। एंड हाउ ऑफन डू यू हैव टू चेंज इट? ये 8 से 10 दिन में मैक्सिमम चेंज करना पड़ता है। एक बाड़े के लिए कितना खर्चा आ जाता है एक भूसी चेंज करने के लिए? मंथली भूसी का खर्चा तो मेरा जो अंदाजा जाता है कम से कम 15,000 रुपए की भूसी जाती है, सिर्फ खस्सी के बाड़ों में ही लगती है ये 5-6 बाड़े जो है बड़े बड़े। व्हाट इज द क्लीनिंग प्रोसेस, क्या है इसका? खाली में उठा के फेंक दो, 15 दिन के बाद देने का ये अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके नीचे जो मट्टी है क्या हो गया? ये पुरानी है, ये 10 दिन का हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया, और ये जो फ्रेश है आज डाली हुई है ये ऐसी रहती है। और इसके नीचे जो है कच्ची जमीन है, पक्की जमीन है, आरसीसी है पूरा, खूब है। ये भी सारे पलाई के है ना? जी जी, ये भी सारे पलाई की है। और इसके अंदर से कुछ है 10-11 बकरे अगले साल के बच्चे हैं जो एक साल और पलटी होंगे। बकरे अच्छे, ज्यादा सोजत बकरे ही रखी है? मैं सोजत ही, मेरा ज्यादा काम सोजत का ही है। पर्सनल काम है ना, खुद लाके बेचते हो ना? जी, मेरे वही कन्वर्जन हो जाता है इसमें। 65% बकरे मेरे बेचे हुए रहते हैं। अब कैसे, जिसको जैसा डिमांड है वही हिसाब से बकरे देना पड़ता है वैसा। खचा खच भरा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जाना शुरू हो जाएंगे ना एक हफ्ते में ये? हाँ, मतलब अभी तो जान चले भी गए, 10-11 बकरे जा भी चुके। अच्छा, जो घर पे जिसके पास जगह फैसिलिटी होती है। ऑलरेडी पल्टी के लिए कितने जानवर अवेलेबल है? ईद के बाद आएंगे तो कितने बकरे दिखेंगे? ईद के बाद अगले साल के बकरे कम से कम 125 बकरे 125 बकरे अगले साल के बकरे ऑलरेडी अच्छी कर जी। ये जो बकरे हैं इनकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाए जी। कितना रुपया किलो है ये? ये 600 रुपया किलो स्टार्टिंग है पूरे 600 बकरे। और कुछ बड़े बकरे और नक पे थे? नक पे वो तो बिक गए बड़े बकरे, वो पंजाबी बिक गया। ये बड़ा मेरा लास्ट टाइम वीडियो में डाला था, ये बेच दिया मैंने, ये अब उस वाले भाई को ही दिए बकरा। इंशाल्लाह अगले साल तैयार होएगा ये बकरा। 600 रुपए किलो है। क्या वजन के बकरे हैं इसमें? इसके अंदर 40 किलो से बकरे हैं और 85 kg तक के बकरे हैं। ओके ओके, इसका एक सेपरेट वीडियो देखना आप जी इंशाल्लाह।
और ये खूटे पे एक मेंढा है जिसकी आप बहुत तारीफ कर रहे थे जी, ये वाला है ना जी, ये आप कह रहे थे इंडोनेशियन लुक में है, लुक में दैट्स बिकॉज़ ऑफ डुअल टोन एंशिएंट मेन, उसकी जो सिंग डुअल टोन सिंग तो बहुत मिलती है भाई, चेहरा भी अलग और उसको जो सिंग जो व्हाइट के अंदर ब्लैक शेड आ गया अच्छा, और दूसरी ब्लैक के अंदर व्हाइट है, अक्सर जो डुअल शेड सिंग होती है ना दोनों सिंग ब्लैक होती है उस पर एक व्हाइट कॉर्नर में बॉर्डर आता है, इसकी जो ये लेफ्ट वाली सिंग है ना ये पूरी व्हाइट है उसमें उसको ब्लैक शेड आ गया, जिसकी वजह से यूनिक है ये, मैंने बेचा अभी मैंने परचेज किया था ये अपने आसिफ भाई के फार्म से परचेज किया था मैंने, अलशेख पे था ये मेंढा, ओके ओके है कितने का अभी है ये, तो सोल्ड हो गया, सोल्ड हो गया, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, कितने कितने वजन पे है मेरा बोलने का मतलब है, 100 किलो का मेंढा है पूरा, ये उस पर्पस के लिए जाता है कि यहाँ पे बस वजन के लिए, ये सिर्फ अपने शौक का है, तो ब्रीडिंग में जाएगा शायद अभी, ओके जो पार्टी क्लाइंट लिए लेकिन है उस पर्पस के लायक ना जी, मैदान जंग वाला ये सब तो क्या खूटे ऑन डिमांड है कि भाई आपको केज परवड़ा नहीं तो नहीं, मेरे को तो क्या मैं तो पूरा केज बना दूं फास्ट बाय, लेकिन कस्टमर का भी थोड़ा सोचना पड़ता है, तो खूटे पे वजन कम पकड़ रहा है, नहीं वजन कम का फर्क नहीं आता है, अभी जैसे छोटे बकरे रहते हैं कुछ क्लाइंट्स के, देखो छोटा बकरा है अब छोटे से उनको परवड़ नहीं पाता है 3,500 पे पूरा साल पालना, मतलब 40-35 किलो के बच्चे लेके आके उसको केज के अंदर पलवाना बहुत कॉस्टली हो जाता है, छोटे पे उतना छोटे का कितना 2,500 ले रहे हो, नहीं नहीं 3,000 रुपए, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए, अब साल भर का क्या क्लाइंट से कुछ और पैसे में भी हो जाता है फर्क, ये जो है यमनी बर्बरी क्रॉस, ये बिक्री के लिए अवेलेबल जी, अवेलेबल है ठीक है, इसका कितना बोला था आपने, इसका 45,000, बाकी ये सब क्लाइंट के होते जी जी, वो सारे वो सब सोल्ड हो गए, मतलब बेचने के बकरे, तो लास्ट को तीनों बकरे अपने सोल्ड हुए, ये बर्बरी ये क्लाइंट का, ये पलाई का बकरा आया हुआ, ये मेंढा देखिए, ओह माशाल्लाह कितने किलो पे है ये, 103 किलो का मेंढा है माशाल्लाह, और ये भी तो क्या शानदार है, चेहरा क्या है इसका, ये भी बच्चा बेचा हुआ है अपने पास के बच्चा है ये भी माशाल्लाह, रिजल्ट बहुत शानदार, विलायतियों में है, विलायती में अभी दो दांत कर रहा है मेंढा, आप कैसी कैसे, उसको मरीनो पैटर्न में थोड़ा है वो फेस जो है ना मरीनो पैटर्न का आया हुआ है, हां हां है विलायती में वो खूबसूरत बिक्री के लिए है ना वो वाला, नहीं नहीं वो नहीं है वो, अच्छा वो दूसरा वाला है जी, ये टॉप 10 में डालने का था पर ये रह गया बकरा, बहुत अच्छा आप निकाल नहीं पाते हो एकदम हैबत में, हाँ, कुछ भी निकाल लेते, जब टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है नहीं तो पहले से एक सॉर्ट आउट करके रखने का ना, मेरे को ये 10 बकरे बताने जी, जी। कितना खूबसूरत बकरा है इसको, अगर आप दिन में निकालते तो बहुत अच्छी वीडियो बनती, एक ये हंसे का भी सिंगल है तो टॉप 10 में एक हंसा भी आ जाता था, ये भी 105 किलो का हंसा है, बट आई लाइक दैट सो ब्यूटीफुल, कोटा के टॉप 10 कोटा के अंदर आ जाता था, बहुत खूबसूरत बकरा है जी, और ये वाला ये भी कोटा है, हाँ अच्छा बकरा था ये भी, ये दोनों भाइयों का है मतलब दोनों सगे भाई है, दो भाई के बकरे हैं, ओके आई लाइक दैट अ लॉट जी, ये पूरे सानियन के इधर पे एक्सोटिक सर्वेलेंस है ना जी, अलम एंड डू यू गिव एक्सेस टू द क्लाइंट, नहीं नहीं क्लाइंट को एक्सेस नहीं, क्योंकि कैसा है कि कभी हमारी फैमिलीज भी आती है इधर को और दूसरों की भी फैमिलीज आती जाती रहती है ना कस्टमर लोग की, पीपल डू स्पिट राइट, ये तंबाकू तंबाकू, हां उसके हिसाब से बकरिया है, एक है ये थोड़ी सी बकरिया है मतलब, पर वो भी बकरिया हटाना है मुझे बस, अब ऐसा है जी, ये केज सेक्शन है पूरा अपना, केज का कितना ले रहे हो आप पलाई का, 3,500 रुपए, ये काठियावाड़ी बिक्री के लिए जी, ये अवेलेबल फॉर सेल है, लाख के ऊपर 1,20,000 बोला है इसका, 102 किलो अच्छा, नहीं मुझे मालूम नहीं, आबिद भाई शायद बात नहीं, नहीं सॉरी नहीं बोला है आपने, बोला क्लाइंट को पूछना पड़ेगा महंगा, आबिद भाई ने बात की लगता है, दिस इज आल्सो सो ब्यूटीफुल, ये वजन में कम है लेकिन कितना ये अभी दो दांत का बच्चा है, अगले साल के शो स्टॉपर्स है इंशाल्लाह, ये लाइन से एक ये देखा दो, ये वाला है के? एक ये और ये अगले साल का इंशाल्लाह जो अपना लाल घोड़ा बना है उसको बीट करेगा, आई लाइक दिस वन सो ब्यूटीफुल, क्या पर्सनालिटी है जी, ये ऑस्ट्रेलिया के एक क्लाइंट है जिन्होंने लिया, ओके ये मालवा का शो वाला है, फरी मालवा, अच्छा सब सब कचा कच भरा, ये वाला ये नहीं निकाले, ये अगले साल के, ये भी दो दांत के, अगले साल फाद भाई दिखाना है ना कोटे में, आपको बोले ना कोटे में नहीं थे तो अगले साल के लिए बहुत है कोटे, ये भी ये मिंडा बेचने के लिए भी अवेलेबल है, कितने दांतों पर, ये 6 दांत का है 87 केजी का, और कितना मांग रहे हो इसका, इसका 65,000 जी, और ये गेंडा ये सोल्ड हो गया, ये हमारे सादान भाई का मिंडे, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये वांटेड अपन ने दिखाया स्टार्टिंग में, ये वही वाला अपना मालवा बटलू, क्या डाल रहे हो खाने में, रात में ये डालता है जौ गेहूं, जौ गेहूं है, गोला जीरा है और ये मक्का है, सारे फूले
कोई ये भी है ना, ये व्हाइट वाले का जोड़ी, भालू का जोड़ी सोजा था ये? जी ये सोजा था, ये भी बिक्री के लिए था ना? नहीं नहीं ये कुर्बानी वाले का, ये सिराज भाई का बकरा ना, मतलब कुर्बानी में जाएगा। कितने बकरों ने सिंग तोड़े अभी ये साल? सिंग में देखो, एक तो वो हंसा थोड़ा सा तोड़ा है, एक ये हंसा ने तोड़ा है, जो पॉइंट बताया ना आपको वीडियो में, वो भी देखो कैसा डैमेज किया उसने, वही पूरा उसने तोड़ा है प्लाई के अंदर। ओके okay. उसको आदत है घसने घसते घसते, अब साल भर में अपन कितना ही प्रिकॉशन ले ले वो तोड़ ही देते। तो खूटे पे भी टूटती है, मैं देखा है टूटने में, तो फालतू में टूटती है अपन जितना, मैं तो देखो पूरे सारे बकरे बांधे हुए, मैं बांधता इसीलिए कि भाई एग्रेसिव ना हो बकरे ज्यादा। ये मेरी सानियन फीमेल से जी, पलाई पे है कि आपने? नहीं ये पूरी पर्सनल है पूरी, और ब्रीडर मेन वो जो था अपना। ओके है रिजल्ट है कुछ अभी? सब लोडेड है, सब लोडेड है इंशाल्लाह। आई भाई क्यों इतनी इतना पानी वानी क्यों पकड़ें, क्यों इतनी गंदगी? ये तो गंदगी नहीं फात भाई, ये तो वॉशरूम का एरिया है। अच्छा अच्छा और ये पर्सनल सेक्शन है जो मेरे जो लास्ट अपने साल भर तैयार होते। ये घोड़ा अभी देखिए, सब बच्चे अगले साल के। ये आपका खुद का कुर्बानी का बकरा हुआ है? अभी देखो इसका कलर पैटर्न आप देखो, चला भाई हवा आ रही है बकरों को, बीच में फैन लगा है, यहाँ पे आ रही है, छोटा फैन है वो भी। नहीं नहीं फास्ट फैन देता है साइड में हवा। अब आपन ज्यादा गर्म में भीग गए, अपने को गर्मी ज्यादा हो रही है। अभी ये सब देखो अगले साल के बच्चे अभी, माशाल्लाह क्या बकरा जानदार, ये अगले साल का है, सब पलाई के है ना जी। अभी नेक्स्ट कुछ समझ में नहीं आएगा, बकरे समझ में नहीं आते जी। अगले साल देखिएगा आप तैयार होने के बाद, ऐसे पूरा अपन तैयार करते बच्चे। पलाई चार्ज वंस अगेन बोल दीजिए, 3500 रुपए अंडुल का और बड़े खस्सी का, बड़े खस्सी का और जी खस्सी में, छोटे खस्सी बच्चे जो रहेंगे 70 किलो के नीचे 2500 उसके ऊपर 3000। और एक लॉट था बोले खस्सी का बिक्री के लिए, वो कहाँ पर? उसको मैं निकाल लेता हूँ अभी बाहर जी, ठीक है।